और अब उदयपुर को एक नई पहचान मिलने वाली है, वो है देश में सबसे अच्छी सोलर दूरबीन वाले शहर की। मंगलवार को सोलर दूरबीन का उद्घाटन हुआ। गौरतलब है कि सूर्य पर शोध करने के लिए दूसरे देशों के यंत्र के द्वारा तस्वीर ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब भारत के पास अपना यंत्र तैयार हो गया है। बेल्जियम से बनकर आई इस दूरबीन को 2012 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन कुछ कमियों के कारण इसको चालू नहीं किया जा सका था। 11 साल की मेहनत रंग लाई। इसका उद्घाटन भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला प्रबंधक परिषद के अध्यक्ष आर राव ने किया। उन्होंने बताया कि सूर्य पर शोध के लिए भारत अब स्वावलंबी बन गया है। ये दूरबीन करीब 12 टन वजनी है और उसका टेलीस्कोप 50 सेंटीमीटर का है, जिससे ज्यादा बेहतर और साफ तस्वीर मिल सकती है। फिलहाल चीन के पास भी ऐसा ही यंत्र है, लेकिन वो इतना आधुनिक नहीं जितना अब भारत के पास आ गया है। तो सूर्य हम लोग तो तब से पता है, हमारा सब लाइफ उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो अभी भी हमको उसका विषय में ज्ञान बहुत कम है, तो इसके लिए तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सब कैसा अनुभव होता है, भारत में पहला ऐसा बना हुआ है, काफी देश विदेश की निगाहें हमारे ऊपर अब आ गई हैं, तो क्या लगता है आपको कितने प्रेशर है आपके ऊपर? प्रेशर तो पता है, और रिसर्च मीन्स वी हैव टू डू इट न्यू थिंग्स, और उसके इसीलिए तो साइंटिफिक वे तो यही उसके बारे में एक्सपेंड हो सकता है। आज तक हमारे जो डेटा जो बाहर राय साहब बोल रहे थे कि या गोस्वामी साहब बोल रहे थे कि डेटा दूसरे टेलीस्कोप से लेके हम कर रहे थे, पेपर तो छप रहे हैं, लेकिन इससे जो होगा वो सन का डिफरेंट हाइट से डेटा सेमल्टेनियसली आएगा, इसका खूबिया वही है, और इससे हमको एक थ्री डायमेंशन